Good morning, my dear students. Jai Hind to all and welcome again in your maths class. Now let's continue our division unit. Okay, so firstly take out your maths book and open page number 105. Fine, beta? Now, beta, we will start from this topic, division by zero. Okay, so firstly write down here date. Okay, and today is 29 January 2021, and the day is Friday. Okay, now beta, the topic is division by zero. Okay, now beta, here some points to remember. Okay, now read this beta. How many toffees will each child get when 8 toffees are distributed amongst 0 children? There is no way to distribute the toffees to 0 children. Okay, that means beta, agar हमारे पास में 8 टॉफीज हैं और हमारे पास में वहां पर कोई भी चाइल्ड नहीं है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, दैट मींस अगर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है हमें जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 8 टॉफीज तो हमारे पास ही रहेंगी, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट तो किसी को करना ही नहीं है, दैट मींस जीरो. सो बेटा, जीरो से डिविजन इम्पॉसिबल. अगर हमारे पास में 8 टॉफीज हैं लेकिन मुझे वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, दैट मींस जीरो पीपल. सो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना. सो बेटा, सो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. लाइक बेटा, इफ 8 टॉफीज देन डिवाइड बाय जीरो. सो बेटा, डिवाइड बाय जीरो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, जीरो से हम 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. फाइन. ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट इज व्हेन द नंबर जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज जीरो. बेटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, बट जीरो को हम किसी भी बिग नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. लाइक बेटा, जीरो डिवाइड 8 इज इक्वल टू जीरो. जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट आंसर ऑलवेज बी जीरो. बट आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा. फाइन बेटा, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट बेटा इम्पॉसिबल है, बट ये वाली स्टेटमेंट पॉसिबल है, बट आंसर जीरो होगा. ओके, फाइन बेटा, अंडरस्टूड. नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.4. ओके, सो राइट डाउन हियर अगेन डेट 29 January 2021, फ्राइडे, एंड दिस इज योर क्लास वर्क. फाइन. नाउ बेटा, नंबर 1, दैट इज अ क्वेश्चन. स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ओके, यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ. इन क्वेश्चंस के लिए हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है. जो स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है उसके लिए हम टी लिखेंगे, और जो स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है उसके लिए हम एफ लिखेंगे. फाइन. सो बेटा, पार्ट ए, 61 divided by 61 = 0. ओके, लेकिन बेटा जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अ नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज इक्वल टू 1. ओके, दैट मींस सेम नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, 0. सो बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई. फाइन. सो वी विल राइट डाउन हियर फॉल्स एफ. फाइन. नाउ नेक्स्ट बेटा, 42 divided by 42. सो आंसर इज 1. सो बेटा यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया, अ नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज इक्वल टू 1. सो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 2. फाइन. नाउ नेक्स्ट, 0 divided by 16 = 0. ओके, जैसे बेटा यहाँ पे बताया मैंने, व्हेन द नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0. द आंसर इज 0. ओके, 0 को हमने यहाँ पे 16 से डिवाइड किया है, सो आंसर यहाँ पे हमारा 0 है, तो दैट मींस दिस इज करेक्ट. सो राइट डाउन हियर 2. फाइन बेटा. नाउ नेक्स्ट, 26 divided by 0 = 0.
ओके बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ये इम्पॉसिबल है, सो राइट डाउन हियर फॉल्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट, 92 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 92। ओके, जैसे कि बेटा मैंने पहले बताया था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर, ओके, सो आंसर ऑलवेज बी सेम। फाइन, सो दिस इज करेक्ट बेटा। फाइन, सो वी विल राइट डाउन हियर ट्रू। फाइन, नाउ नेक्स्ट बेटा, इसको हम स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ हम नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा जी, 67 डिवाइडेड बाय 67 इज इक्वल टू 1, ओके, सो दिस इज ट्रू। फाइन, नाउ नेक्स्ट, 0 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू 85, सो दिस इज रॉन्ग बेटा, बिकॉज यहाँ पे 0 नहीं है, 85 है। ओके, सो दिस इज फॉल्स। फाइन बेटा, नाउ बेटा टर्न द नेक्स्ट पेज, 106। ओके, नाउ बेटा स्किप दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्टली राइट डाउन हियर डेट अगेन, 29th January 2021। फाइन, फ्राइडे, दिस इज योर क्लास वर्क। फाइन, नाउ बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। फाइन, दिस इज बेटा ए पार्ट, 26 डिवाइड बाय 26, सो फर्स्टली वी विल सॉल्व इट बेटा, 26 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू 1। ओके, 26 के टेबल में 26 कौन से प्लेस पे आता है बेटा, 1 प्लेस पे, सो 26 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। फाइन, नाउ बी पार्ट बेटा, 0 डिवाइडेड बाय 90, सो इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि आंसर हमेशा 0 ही आता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, 55 डिवाइडेड बाय 55, सो इज इक्वल टू आंसर 1। फाइन, नाउ डी पार्ट बेटा, 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू अगेन 1, देन 0 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0, एंड 89 डिवाइडेड बाय 89 इज इक्वल टू 1। फाइन, नाउ बेटा इन दिस साइड, 43 डिवाइडेड बाय 1, सो इज इक्वल टू 43। ओके, 1 के टेबल में हम देखेंगे बेटा 43 किस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, सो इट्स 43। नाउ नेक्स्ट, 31 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 1, देन 0 डिवाइडेड बाय 95, देन आंसर 0। ओके, नेक्स्ट, 13 डिवाइडेड बाय 1, सो आंसर इज 13। नेक्स्ट, 67 डिवाइडेड बाय 67 इज इक्वल टू 1, एंड 0 डिवाइडेड बाय 99, देन आंसर इज 0। फाइन, नाउ बेटा अब हमने इन्हें सॉल्व करके आंसर्स निकाल लिए हैं, अब हम इन आंसर्स के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। फाइन, और बेटा ये साइन जो है ना लाइक एन ओपन बीक, ओके, बीक की तरह है, सो बेटा जो नंबर बिग होता है हम उसकी तरफ ओपन माउथ का साइन लगाते हैं। फाइन, सो बेटा जैसे नंबर 1 ए पार्ट, ओके, 1 इन दिस साइड एंड 43 इन दिस साइड, सो 43 इज द बिग नंबर ना, सो वी विल पुट द साइन लाइक दिस, ओपन माउथ का साइन हम इस तरह से 43 की तरफ लगाएंगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट बेटा बी पार्ट, 0 एंड 1, सो कौन से नंबर बिग है बेटा, 1 नंबर बिग है ना, सो अगेन वी विल पुट द साइन लाइक दिस। फाइन, नाउ नेक्स्ट बेटा 1 देन 0, एक तरफ 1 है एक तरफ 0 है, सो 1 इज बिग ना, सो वी विल पुट द साइन लाइक दिस। फाइन, नाउ नेक्स्ट बेटा 1 एंड 13, सो 13 इज अ बिग नंबर ना, सो वी विल पुट द साइन लाइक दिस। फाइन बेटा, नाउ बेटा यू हैव टू डू दीज टू सम्स इन होमवर्क। फाइन, नाउ बेटा कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
मैच द डिवीजन स्टेटमेंट्स टू द करेक्ट क्वेश्चन गिवन इन द बॉक्सेस ब्लो. फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू. ओके बेटा, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है. क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं 0 और 1. इन सभी क्वेश्चन के आंसर 0 और 1 में है. ओके नाउ बेटा, आई विल शो यू. फर्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 21. अगर 21 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1. ओके, सो वी विल मैच लाइक दिस. फाइन. नाउ बेटा, हियर 17 डिवाइडेड बाय 17. ओके, सो अगेन आंसर 1. सो वी विल मैच लाइक दिस. फाइन. नाउ बेटा, यू हैव टू डू ऑल दिस टू सम्स. ओके, 2 इन दिस साइड एंड 2 इन दिस साइड इन होमवर्क. फाइन. आपको ये मैचिंग खुद करनी है बेटा. यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे 0 और 1 में ऑलरेडी दिया हुआ है. फाइन बेटा. नाउ बेटा, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 107 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, फर्स्टली राइट डाउन हियर अगेन डेट. फाइन. नाउ बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर ए बेटा, 17 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पे बेटा डिविडेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एंड हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डिवाइजर निकालना है. ओके, एंड बेटा क्वेश्चन 1 कब आता है? जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा आंसर? 17. 17 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1. फाइन. नाउ बी पार्ट, -डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0. हमारा जीरो आंसर कब आता है बेटा? जब हम जीरो को डिवाइड करते हैं अनदर नंबर से. ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0. फाइन. नाउ नेक्स्ट बेटा, 46 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 1. ओके, सो बेटा यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सेम नंबर, तभी हमारा आंसर यहाँ पे 1 आएगा ना. सो वी विल राइट डाउन हियर 46. फाइन. नाउ बेटा, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चन इन होमवर्क फ्रॉम पार्ट डी. ओके, सेम इसी तरह से बेटे क्वेश्चंस होंगे. अब आपको ये सारे होमवर्क में करने हैं. फाइन बेटा. नाउ बेटा, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके, 3, 4 एंड 5. फाइन बेटा. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. Thank you. Bye bye. Take care.